शिवसेना उद्धव ठाकरे गट के विवादास्पद पदाधिकारी विनायक भोसले को बार बार क्यों पीटा जाता है। कल 25 अगस्त को विरारपुर में दो अज्ञात व्यक्तियों ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विवादास्पद पदाधिकारी विनायक भोसले पर लकड़ी के बाज से हमला किया। इस हमले में विनायक भोसले घायल हो गए और उन्होंने विरार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल विनायक भोसले का इलाज संजीवनी अस्पताल में चल रहा है और उनकी तबीयत स्थिर है। लेकिन पूरे वसई विरार में एक ही चर्चा हो रही है कि ये विनायक भोसले पर बार बार हमला क्यों होता है। आखिर विनायक भोसले ऐसा क्या करते हैं कि इन पर बार बार हमले होते हैं। विनायक भोसले के विवादास्पद करियर को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस को उन अज्ञात हमलावरों को ढूंढने में कठिनाई होगी जिन्होंने उन पर हमला किया था, क्योंकि विनायक भोसले बेहद विवादास्पद व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। उनके कारनामों की फेहरिस्त लंबी है तो उसके दुश्मनों की लिस्ट भी उतनी ही लंबी है। संतोष शेट्टी जिन्होंने इन सभी कारनामों में उनका साथ दिया, एक ऐसा साथी जो उसके हर अच्छे बुरे काम में शामिल होता है। ये संतोष शेट्टी कोई आम आदमी नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में एक दुर्दांत अपराधी है। उसके खिलाफ मुंबई क्षेत्र में रंगदारी, डकैती जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। वहीं दूसरा साथी है जो रेप के अपराध में आरोपी है। इन दोनों साथियों के जरिए विनायक भोसले एक RTI दाखिल करता है और फिर अपने मास्टरमाइंड से जुड़े अधिकारियों से फ़ोन पर बात करता है। तो विनायक भोसले वो है जो अपना सारा काम ऐसे अपराधियों के साथ करते हैं। हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि वह बुरे स्वभाव का आदमी है। कहा जाता है कि विनायक भोसले ने 2014 से आज तक विभिन्न पार्टियों के लेटर हेड का उपयोग करके अनधिकृत निर्माण व्यवसायियों से लाखों की जबरन वसूली की है। उसने विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में लगभग 500 शिकायत आवेदन दायर किए हैं। इस प्रकार आवेदन या RTI दायर करके अधिकारियों और बिल्डरों को ब्लैकमेल करना और उनके वीडियो शूट करना और फिर अपने मुख्य सूत्रधार से बात करना और फिर समझौता करना और पैसों की वसूली करना, इसे उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत भी कहा जा सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि उसने इस माध्यम से अर्जित धन से गाड़गंज की संपत्ति अर्जित की है। आज उनके पास विरार में फ्लैट और दुकानों जैसी कई रियल इस्टेट संपत्तियाँ हैं। गाँव में आलिशान बंगला बनाया गया है। साथ ही वह 3 बार मनपा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो सवाल उठता है कि विनायक भोसले जो किसी भी तरह का कारोबार नहीं करते, इनके पास इतनी संपत्ति खरीदने और चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहां से आए। वर्तमान में विनायक भोसले द्वारा 2020 में फूलपाड़ा रामचंद्र नगर में इमारतों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी जो वसई विरार में सबसे लोकप्रिय फर्जी CCOC मामले में से एक है। इसके बाद चर्चा है कि इस एप्लीकेशन के जरिए उन कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूले गए। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि फूलपाड़ा रामचंद्र नगर में इन अनधिकृत इमारतों को बनाने के लिए उन बिल्डरों को प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति विनायक भोसले है। सोचने वाली बात तो यह है कि विनायक भोसले जिन्होंने अनधिकृत निर्माण करने वालों के खिलाफ तथा अपने ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ मनपा में शिकायत करते रहते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुद मनवेपाड़ा में उनका कार्यालय सड़क पर एक कंटेनर के रूप में अनधिकृत तरीके से रखा गया है जिसके नाम पर वे झूठा सामाजिक संगठन चला रहे हैं। विनायक भोसले की जीवनी भी बहुत धुंधली है। विनायक भोसले के खिलाफ देर रात महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजना, कॉल करना, उनके घरों पर निगरानी रखना, ऐसे कई अपराध दर्ज हैं। कुछ दिन पहले मनवेलपाड़ा में रहने वाली एक महिला ने विरार पुलिस स्टेशन में विनायक भोसले के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद उन्हें शिवसेना उद्धव ठाकरे गट से पद से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही उनकी पत्नी ने भी उनके खिलाफ विरार पुलिस स्टेशन में किसी अन्य महिला के साथ संबंध रखने की शिकायत दर्ज कराई थी। विनायक भोसले को लगातार कुछ न कुछ विवादित काम करने की आदत है। कुछ दिन पहले मनवेलपाड़ा में जय जीवदानी सोसाइटी की बैठक में जब बिल्डर और निवासियों के बीच बहस हुई तो विनायक भोसले ने आग में घी डालने का काम किया था। उसके बाद जब उसे एहसास हुआ कि यह वह नहीं है जो वह चाहता था तो वह घर गया और खुद पर ब्लेड से हमला कर दुशांत पाटिल और प्रकाश पाटिल जो उस समय वहां मौजूद नहीं थे और प्रमोद दलवी जो उस समय
पुणे में रह रहे थे उन्हें जानबूझकर अपराध में फंसाने जैसा काम किया था। एक और चौंकाने वाली बात तो यह है कि विनायक भोसले जिस बिल्डिंग में फिलहाल रहते हैं वहां उनके दो फ्लैट हैं। यह बिल्डिंग अनधिकृत है और जब इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ था तब विनायक ने मनपा में इस बिल्डिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और बिल्डर को ब्लैकमेल कर इन दोनों फ्लैट को हासिल करने की दबी जुबान में चर्चा भी हुई थी। बिल्डिंग में सालों से रहने के बावजूद विनायक भोसले अपने घर का मेंटेनेंस चार्ज सोसाइटी को नहीं देते हैं और जब सोसाइटी द्वारा इस बारे में पूछा जाता है तो वह रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर सोसाइटी की शिकायत करने की धमकी देते हैं। इन सभी उद्योगों के साथ साथ इस महाभागा ने काला जादू कराना, लोगों के घरों के सामने नकले रखना जैसे कारनामे भी किए हैं। इसी वजह से उनके खिलाफ काला जादू करने का मामला भी दर्ज हुआ था। ये सब उपक्रम करते हुए विनायक भोसले अपने खिलाफ पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए उस पार्टी में शामिल हो जाता है जिसकी सरकार आने वाली है। फिर उस पार्टी का लेटर हेड और वह अपना सारा काला कारोबार पार्टी के नाम पर करता है। अभी तक उसने सभी राजनीतिक पार्टियों के नाम का ही इस्तेमाल किया है। खुद को उद्धव ठाकरे का कट्टर शिवसैनिक बताने वाले विनायक भोसले फिलहाल शिंदे गुट के नेताओं के लिए काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वह विधायक रविंद्र फाटक के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। विरार पुलिस के सामने अब यह पता लगाने की बड़ी चुनौती है कि आखिर इतना विवादास्पद और अवांछित कारोबार करने वाले विनायक भोसले पर हमला किसने किया था, क्योंकि यह सब कारनामे करने के बाद विनायक भोसले ने कई दुश्मन बना लिए हैं। पुलिस के लिए उन सभी दुश्मनों की भीड़ में से उस दुश्मन को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होने वाला है जिसने यह हमला किया है। हालांकि कुछ लोगों के मुताबिक ऐसी संभावना है कि विनायक भोसले ने जानबूझकर खुद पर हमला किया है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि विनायक भोसले अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। तो अब आने वाले दिनों में पुलिस जांच में खुलासा होगा कि हमला असल में विनायक भोसले पर था या उन्होंने खुद पर हमले को अंजाम दिया था।